आप अनुमान वाले हैं, वो कह रहे हैं कितने दिन चल जाएगी लगभग? ऐसा नहीं, ऐसी रोड बना रहे ज्यादा से ज्यादा एक साल छह महीने, इससे ज्यादा नहीं चल सकती है। आपके द्वार से भी रोड निकली होगी? बिल्कुल निकली है। और रोड निकली है मतलब वो जो है प्रधानमंत्री निकली है या पीसीसी ग्राम पंचायत वाली निकली हुई है या हाईवे निकली हुई? प्रधानमंत्री निकली है। प्रधानमंत्री वो बनी थी, वो अभी माले पिछले साल बनी थी और ज्यादा एक साल चलेगी। ऐसी रोड बनाते उसमें पूरा आइटम सामान ही डालते, उसी में पैसा निकालते हैं, मजदूरों का काम जो होता है तो जेसीबी से करवाते हैं। तो जेसीबी से क्यों करवाते हैं? क्योंकि उनको जो पैसा निकालना होता है, मजदूर से करवाएंगे ज्यादा पैसा निकालना पड़ेगा। और हमारे सामने छोटे भाई, नाम क्या है आपका? विनोदपुरी। अच्छा, आप जो है गौर से देखिएगा, थोड़ी दिखाइएगा ऊपर से नीचे तक का आपका हुलिया देखिएगा। और पढ़े लिखे कितना है आप? 12th पास है। 12th पास है। अगर आपको जो है दे दिया जाए कि लीजिए फावड़ा रोड पे काम करिए, करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर जेसीबी से ना करवाएं तो किससे करवाएं? तो नहीं, हम नहीं करेंगे क्योंकि इतने लोग हैं। कौन है? जैसे बहुत लोग हैं कि जैसे कौन, जैसे 135 करोड़ की आबादी में बहुत गरीब हमारे बुब्बा मरने वाले हैं, वो तो फावड़ा उठा ना पाएंगे। ऐसा हम नहीं, हमारे भाई लोग हैं। तो सब भाई आप करेंगे? मैं ग्रेजुएशन किया हुआ, मैं नहीं करूंगा। आप अभी 12वीं हुए, ग्रेजुएशन करके रखे, वो क्यों जाएंगे फावड़ा उठाने? दो लोग नहीं करेंगे, कोई तो करेंगे। तीसरा आप करेंगे? नहीं करेंगे। कोई नहीं करेगा, नहीं करेंगे हम। क्या कोई नहीं करेगा, सब पढ़ने के बाद रोजगार चाहता है। तो अब बताइए कि क्यों ना जेसीबी से काम होगा, क्यों ना रोलर से होगा, जब कोई करना ही नहीं चाहता तो बताइए कैसे होगा? क्योंकि उससे भी होता था लेकिन अच्छे से करवाना चाहिए। किससे? जेसीबी से होता है तो ऐसे जैसे रोड ही बनवा दे, पट्टी लगवा देते, उसको उसमें सामान पूरा बराबर डालेंगे तो रोड चलेगी। गिट्टी सीमेंट ये सब लोहा वगैरह सब कुछ डाल के छह महीने ज्यादा चलती है। चलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेकर के रोड तक, मतलब मेन रोड जो दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से हमने रोड बनवाने के लिए टेंडर पास कर दिया 1,00,000 का। आपके पास कितना बचेगा बनवाने के लिए? यहाँ SDO आएगा, तहसीलदार आएगा, पटवारी आएगा, इंजीनियर आएगा, इसके बाद फिर आपके मजदूर है, फिर आप है, क्या कमा लेंगे इसमें? तो कुछ नहीं बचेगा। हाँ, पर तो हाँ, मिली। हाँ, वो तो है। बना लेंगे रोड 1,00,000 में आप? नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि 1,00,000 में सभी जो भी हमारे आगे पीछे रहेंगे तो उनको यहां, तो यहाँ आपको क्या लगता है कि आपको प्रधानमंत्री रोड पर बस डमरे डामर मिल जाएगी? तो वही खा लेते हैं। नहीं, लेकिन जो भी होता है तो सही से बनाना चाहिए। समाज का जो कीड़ा है वो है सबसे बड़ा करप्शन। करप्शन ये हमारे जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा युवा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज तो बात करते हैं, मीडिया के सामने बात कर रहे हैं। हालांकि सीधी में तो कोई बोलने वाला आता ही नहीं कैमरे के सामने, पर आप लोगों ने कम से कम हिम्मत की बोल रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि लगातार जो है समाज का जो कीड़ा है वो है करप्शन। करप्शन के नाम पर लोग अपनी माँ बहन तक बेच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, ये वाकई में हकीकत है, सामाजिक सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। जहाँ पर अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा देते हैं टेंडर पास करवाने के लिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये समाज कहता है कि इस तरीके का कृत्य पूरे भारत में हो रहा है इस टाइम पर, कि अपनी पत्नी को दांव पर लगा देते हैं। ऐसा ही राजनीति का कुछ कीड़ा घुसा रहता है जहां पर इंसान कुछ भी दांव पर लगा देता है। कहते हैं कि जो होता है प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, बस वही है कि यहाँ पर लोग इंसान जंग जीत रहे हैं के चक्कर में सब कुछ गवा बैठते हैं, और करप्शन का जो कीड़ा है यहाँ पर सब कुछ बेच खा बैठते हैं यहाँ पर। अब समाज में जो है, अब आप कह रहे हैं कि रोड बढ़िया होनी चाहिए, तो कब होगी पता है? अभी कुछ जानकारी जब करप्शन खत्म होगा, जब ये करप्शन खत्म होगा, समाजन खत्म होगा, शिक्षा अच्छी होगी, तभी तो जाके काम होगा। आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं? नई गढ़ी गवर्नमेंट विद्यालय है या? गवर्नमेंट थी। गवर्नमेंट से पढ़ रहे हैं। कितने टीचर हैं आपके यहाँ? वही 5-10। 5-10 टीचर हैं, सभी पढ़ाते हैं आपको? कोई बस हो गया आते हैं, उनके अपना टाइम से मतलब रहता है। अभी आपने लड़ाई की कि मेरे हक की मेरी पढ़ाई दो मुझे? दी, बहुत बार शिकायत की, लेकिन हो गया। आज शिकायत की, एक दिन पढ़ा दी, उसके बाद फिर बस वही रूल चलने लगता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप पढ़ना ही नहीं चाहते। नहीं, ऐसा नहीं, जब टीचर को अपने से पढ़ेंगे, एंड टीचर का काम है पढ़ाना, लड़कों को अगर उनकी पेमेंट मिली तो उनको पढ़ाने का मिल रहा है। 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज किया? बायोलॉजी। जीव विज्ञान का जो जनक है कौन है? जीव विज्ञान जनक अरस्तु हैं, मैं बता देता हूँ आपको, अरस्तु हैं। अब जब आप जीव विज्ञान, आपको पढ़ाता कौन है? वही सर है। कौन? गाँव के रवि सर। रवि सर वो एक, वो रवि सर एक सामने, मैं रवि खुद खड़ा हूँ। तो उन्होंने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ आपको। दूसरी बात ये कि कभी रवि सर को बुलाइए और उनसे बोलिए कि सर परीक्षा अध्ययन छोड़ दीजिए, हमारे पास जो एक मोटी सी बुक मिली है उससे आप पढ़ाइए। समझ आए हैं? आप अगर आज डिमांड नहीं करेंगे तो सामने वाला पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि उसको खटिया तोड़ने का भी पैसा मिलता है। समझ रहे हैं? आवश्यकता है आपकी माँ की, अगर इंसान हाथ ऐसे फैलाएगा तभी कुछ
कोई दे पाएगा। अगर आप जाएंगे ऐसे खड़े रहेंगे एटीट्यूड के साथ तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सवाल पैदा करने से ही उसका आंसर मिलता है। और सबसे बड़ा इंसान होता है आलसी। सभी को मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में सबसे बड़ा इंसान जो है वो होता है आलसी। अगर न्यूटन जो है पेड़ के मतलब नीचे ना बैठा होता, वो आलसी व्यक्ति नहीं होता, उसके सर पसेव नहीं गिरता तो साले की बुद्धि नहीं खुलती और कैसे इतना बड़ा जो है तो खोज कर पाता, ये सबसे बड़ी बात है। साइकिल चलाने वाला आदमी जो है, जो आपको पता है कि आज आसानी से इंसान चला लेता है, कोई अगर साथ में कहता कि चलो मजदूरी करने तो 2 किलोमीटर कोई जाने के लिए जो है बोलता है कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा और वो घर पे बैठा रहता है और वो आलसी होता है, कभी कभार चल के जाता है, थक जाता है, बोलता है भैया मुझे नहीं जाना मैं थक गया हूँ, तब वो दिमाग में लगाता है कि मैं कैसे यहाँ से वहाँ तक पहुँच सकूँ, तब इंसान क्या उपयोग करता है साइकिल का, उसने खोज किया। तो सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि इंसान जो आलसी होता है, कामचोर होता है, सबसे बड़ा काम कभी कभार वही कर जाता है, करता कि नहीं करता। सही बात है, कर जाता है, सही है ना, कर जाता है। अब रही बात, सारी चीज़ें मैं आपसे बात कर चुका हूँ मुद्दे की और आपके द्वारा मैं कह रहा हूँ कि नई गढ़ी हो सकता है विद्यालय में बहुत जल्द हमारा जो है तो प्रवेश भी होगा, करवाइएगा कभी आप सभी शिक्षकों से हमारी मुलाकात, क्योंकि तरंग न्यूज़ पर आपको कभी आप सर्च करिएगा देखने को मिलेगा कि हम बच्चों से और टीचरों से ज़्यादातर मिलने का प्रयास करते हैं। कभी आपने देखा है? देखा है ना, तो सबसे ज़्यादा हमारा प्रयास रहता है बच्चों और शिक्षकों से मिलने का, क्योंकि उनसे अगर मिलते हैं तो वो हमारे शिक्षा के भाई कुछ हम भी सीख लेंगे यार। सही बात, सही सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? क्यों नहीं सिखाएंगे, सिखाएंगे ना, आप भी सीखिए, छोड़िएगा नहीं टीचरों को। जी सर, समझ रहे हैं ना जी। तो अब बहुत बड़ी बात छोटी बात जो भी थी सारी चीज़ों की चर्चा हो चुकी है, अब